सुनी स्कूल के बाद दोनों साथ चलेंगे। आने की इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जाने की होती तुझे। सॉरी मैडम। कितना शरीफ बच्चा है। तो गंदा है, तेरे साथ नहीं जाऊंगा। क्या बच्चे पढ़ाए मैंने। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक मुहावरा बताती हूँ, उसका वाक्य बनाओ, ठीक है? जी मैडम। मुंह में पानी आ जाना। मैंने नल खोला, उसके नीचे जाके खड़ा हुआ, मेरे मुंह में पानी आ गया। शरीफ होने को कहा था तो बॉडम हो गया। सुनी स्कूल। बहन जी जरा सुनिए। आपने मुझे बुलाया? हाँ जी बहन जी, आपका दुपट्टा नीचे लटक रहा है, ऊपर उठा लो। भाई साहब, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरे कदमों के निशान, इसलिए ये निशान मिटा रहा है। ओ अप्सरा की औलाद, आगे गोबर पड़ा है, मत उठा दुपट्टा, मर यहीं। पता तो यही बताया था। मैडम जी जरा सुनिए। हाँ हाँ बोलो। मैडम ये वही एजेंसी है जो लोगों को मार डालती है। जी हाँ, हम अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी मौत मारते हैं। आपको कौन सी मौत चाहिए? बस थोड़ी आसान सी मौत हो, आए और छू के चली जाए। ऐसी मौत तो है स्टॉक में, है ना? हाँ है। तो दे दो मुझे। ठीक है, यहाँ साइन कर दो। अब ई साइन की होता है? पत्र के आखिर में जो तुम लिखते हो। ठीक है, तो हर चुम्मा के इंतजार में राजू। क्या हुआ? अरे तेरे हाथ पैर क्यों टूटे हुए? अरे कुछ नहीं, हो बराबर में चाइनीज रहता है ना, उसने बहुत मारा। क्या हुआ, चाइनीज पागल हो गया क्या? क्यों मारा उसने? उसकी एक साल पहले शादी हुई थी, आज उसकी बीवी मर गई। तो अपनी बीवी का इल्जाम आप पे डाल दिया क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो रो रहा था, मैंने उसका सर लिया, अपने कंधे पे रखा और बोला बे भाई रो मत, चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं है, तेरा बाल तो एक साल टिका भी। भैया सही पीटे आप। ए जी सुनते हो? ना नहीं सुनता, दिमाग ना खराब किया कर, तेरा मुंह चपटा कर दूंगा थप्पड़ मार के। क्या हुआ, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये मुझे एजीओ जी ना बोला कर, मुझे बहुत गुस्सा आता है सुन के। ठीक है सुनो जी। गधे की पूंछ मुंह मुंह पे मारूंगा, शांत हो जा। आप ना सुन के खुश हो जाओगे कि मैं आपको एजीओ जी सुनो जी क्यों बोलती हूँ। अच्छा बता फिर क्यों बोलती है? मैं एक सभ्य महिला हूँ, ओ गधे ए गधे सुन गधे बोलना अच्छा नहीं लगता ना। जेनू। ये कौन पगली आई रही इधर, ये कोई जानू वानू नहीं है, मैं इधर सेलमैन है, कपड़े बेचता, क्या चाहिए तेरे को? मेरे को एक शर्ट का कपड़ा दिखा दो। किसके लिए चाहिए? हट गंदा कहीं का। ये किसने घुसाया रे इसको? अच्छा अच्छा ओ मैं माफ कीजिएगा, मतलब अपने हस्बैंड के लिए चाहिए मुझे। प्लेन में चलेगा? शरीफ लड़की देखी नहीं कि मजाक शुरू? नहीं नहीं तो हेलीकॉप्टर में दे दे कमबख्त। बेटा टिशू क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? मैम पेपर ने मारा। टिशू पेपर, तुम दोनों अपनी जगह पे चुपचाप से बैठ जाओ। चलो बस बहुत रोना हो गया, पढ़ाई करते हैं। ठीक है। बेटा टिशू तुम बताओ, वहम और सोच में क्या अंतर है? आपकी बेटी आइटम है, ये हमारी सोच है, और हम अभी बच्चे हैं, ये आपका वहम है। ओहो ये तो फिर से गड़बड़ हो गई। नहीं चप्पल नहीं चप्पल। अरे हम लोग तो पैदाइशी सिंगर हैं, पैदा भी हम लोग गाते हुए हुए थे। ए उसको गाना नहीं उसको रोना कहते हैं। जैनू ए तू जा रहे? जैनू प्लीज मत करिए। जैनू मैं तुमसे नाराज हूँ। जैनू क्यों नाराज है? कोई शेर सुनाओ। रूठी है वो इस तरह, जैसे हम उसे मना लेंगे, अब इतना वक्त कौन जाया करे, इतने में हम दूसरी पटा लेंगे। क्या जोक है। बेटा मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, जरा आके दबा दे। माँ तो आती जाती रहेगी, इग्नोर करता हूँ। आके मेरा सर दबा अभी क्या अभी। अरे माँ सर दर्द तो होते रहते हैं, कल आपका गला दर्द होगा तो आप बोलोगी आके मेरा गला दबा दे, मैं तो फंस जाऊंगा ना मर्डर के इल्जाम में। अच्छा बेटा ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं मां नहीं नहीं। किसका फोन है? हेलो हेलो किल्लू कारिया बोल रहा हूँ, तेरी पत्नी मेरे कब्जे में। हाँ किल्लू भाई क्या चाहिए तेरे को? 10 लाख रुपए भेज रहा अपनी पत्नी को ले जा। है, गेम खेलने तंग ना कर चल। किल्लू का फोन कटा, दोबारा लगाता हूँ। फिर कौन कर रहा है? हेलो किल्लू बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए भेज दे, नहीं तो तेरी बीवी को छोड़ के जा रहा हूँ। डरामत डरामत, जगह बता कहाँ पैसे छोड़ के जाने हैं। आ गया ना कात पे।
यार बेबी इतनी अपसेट क्यों दिख रही हो, प्लीज बताओ ना, मैं तुम्हें वो सूट दिलवा दूँ। कौन सा वाला? अरे यार वो वाला चांद तारे तोड़ के ला दूँ तुम्हारे लिए, बोलो क्या करूँ। अबे यार इसका फोन क्यों आ गया चुड़ैल का। हेलो, हाँ बेबी। हेलो, हाँ कहाँ हो? बेबी ऑफिस में हूँ, मीटिंग में, बहुत जरूरी, बाद में फोन करूँगा। वैसे तुम क्या कर रही हो? जिस मौन में तुम चांद तारे तोड़ने की बात कर रहे हो ना, मैं बच्चों के साथ आई हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं बार बार वो उन पापा के साथ कौन सी मौसी है। अबे यार मैं भाग रहा हूँ, बाय 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 बाय। अरे बाय 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 बाय। आओ तुम, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने ना तुम्हें बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दिया था। तो क्या, मैंने तो तुझे देख के भी हाँ कर दिया था चुड़ैल, कहीं की अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ खाना कब तक बनेगा? आधा घंटा लगेगा। बे यार तुम्हारा रोज रोज का ही ड्रामा है, भूख के मारे हालत बुरी हुई जा रही है। कहाँ ना थोड़ा टाइम लगेगा, तुम रहने दो, मैं तो बाहर जाके खा रहा हूँ। अच्छा 5 मिनट लगेगा तैयार होने में, अभी तो कह रही थी आधा घंटा लगेगा। अरे मैं खाने की बात नहीं कर रही, अपने तैयार होने की बात कर रही हूँ। पीछा ना छोड़ियो तू मेरा। सुनो ना। हाँ क्या है? मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी रोज लगती है। मतलब बहुत सुंदर है ना? क्या सुनना चाहती है तू? बताओ ना मैं किस हीरोइन जैसी लग रही हूँ? आलिया भट्ट जैसी। बस तुम भी ना बहुत ही तारीफ करते हो। अच्छा कौन सी फिल्म वाली, स्टूडेंट ऑफ द ईयर या फिर शानदार? ही उड़ता पंजाब, ये देख तू नहीं।